प्रधानमंत्री मोदी लगातार कांग्रेस के घोषणा पत्र पर प्रहार कर रहे हैं। अपनी सभाओं में ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की नजर लोगों की गाढ़ी कमाई पर टिकी है। आखिर पीएम क्यों बार बार कांग्रेस के मैनिफेस्टो का जिक्र कर लोगों की संपत्ति लिए जाने का गंभीर आरोप लगा रहे हैं। रिपोर्ट के जरिए समझिए। आपकी मेहनत की कमाई, आपकी संपत्ति पर कांग्रेस अपना पंजा मारना चाहती है। पहले राजस्थान के बांसवाड़ा और अब उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जोरदार प्रहार किया। पीएम ने साफ कहा, देश की जनता की गाढ़ी कमाई पर कांग्रेस के पंजे की नजर है। कांग्रेस मां बहनों का सोना लेकर घुसपैठियों को बांटना चाहती है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई पर है, आपकी संपत्ति पर है। माताओं बहनों का मंगल सूत्र अब सलामत नहीं रहेगा, ये कांग्रेस ने कहा है। पीएम मोदी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस जनता के पैसों की लूट को अपना अधिकार मानती रही है। साथियों, जनता के धन को लूटना, देश की संपत्ति को लूटने कांग्रेस अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पीएम की टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी ने पलटवार किया। अपने एक्स साइट पर पोस्ट करते हुए राहुल ने लिखा, मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद पीएम मोदी जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। तो कुछ ऐसी ही बात बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कहते हैं। कहा, हार देखकर पीएम सांप्रदायिक बातें कर रहे हैं, लोगों को मुद्दों से भटका रहे हैं। इस तरह की बातें हम तो पहले से कहते रहे, जैसे जैसे हार दिखता रहेगा उस हिसाब से ये लोग हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात करेंगे। इसलिए आप सब लोगों को समझना पड़ेगा कि इनकी उपलब्धि जीरो है, इसलिए ये फिर कम्युनल लाइन पे ये बातें कर रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव एक के बाद एक फेज पार कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी का विरोधियों पर प्रहार और भी तेज होता जा रहा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर पीएम के वार पर विपक्ष भले पलटवार कर रहा हो, पर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर गर्म मौसम में सियासी उबाल जरूर ले आए हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब कांग्रेस मैनिफेस्टो पर मोदी के प्रहार को समझिए। 5 अप्रैल को कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो को न्यायपत्र नाम दिया था। मैनिफेस्टो में संपत्ति का सर्वे कराने की बात कही गई। कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने कहा था कि हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, ये पता लगाएंगे कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है, और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। अब समझने वाली बात यह है कि कांग्रेस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधन पर सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों का है। इन्हीं बातों का जिक्र कर प्रधानमंत्री कांग्रेस को घेर रहे हैं और मैनिफेस्टो के जरिए कांग्रेस पर प्रहार कर रहे हैं, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप तेज है। हालांकि पीएम के बयान को लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंच गई है।